सो आई हैव ऑर्डर्ड गिटार, वन गिटार फॉर जीत। अगर ये अच्छे से नहीं बजाया ना और अगर अच्छे से नहीं सीखा तो विल सिंपली यू नो स्लैप हिम। सो ऑलराइट गाइस, इस बार का आना तो थोड़ा सडन रहा, लेकिन यस आगे से जब भी आएंगे तो मैंने सोचा कि गिटार को मुझे कैरी करके लाने और ले जाने में थोड़ा तकलीफ होगा। इन द मीन वाइल हमारा ये भाई जीत आनंद उर्फ सुदामा सुदामा हम लोग इनको प्यार से बोलते हैं, तो हमने सोचा कि पहले इससे कमिटमेंट करवाया कि क्या आप गिटार सीखने वाले हैं, तो इसने कहा कि अच्छे से सीखेंगे। मैंने इसको ये भी कह दिया कि अगर एक भी दिन जिस तरीके से खाना खाते हो खाना नहीं छोड़ते, उसी तरीके से अगर एक भी दिन गिटार का प्रैक्टिस छूटा तो गिटार को इधर ला के हमारे रूम में उधर रख देना, क्योंकि करना है तो अच्छे से करना है। कम से कम जो है दुनिया का सबसे अच्छा गिटारिस्ट बना गिफ्टिंग अ मोमेंट। और इसका परसों बर्थडे है ना, बाय द वे दिस इज द क्लिम्स ऑफ माय होम घर। ना एडवांस बर्थडे गिफ्ट, तो इसका 18 साल हो रहा है। एंड सो प्रॉमिस करो, और इधर रिकॉर्ड हो रहा है, क्या अच्छे से गिटार बजाएगा? कितने साल में बोलो ना, मतलब बोलो 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 बोलो, कितने साल है? मतलब कितने दिन? 100 आवर का कोर्स होता है। हाँ वो 100 आवर्स का, में एलिमेंट्री लेवल 1 फिर 250 आवर का कोर्स, फिर 1000 घंटे का कोर्स। तो कमिंग टाइम यू विल सी जीत आनंद एज अ ग्रेट गिटारिस्ट। चीयर्स वंस अगेन, एडवांस हैप्पी बर्थडे भाई। और ये एक ऐसा गिफ्ट है कि मतलब जिसमें कि लोग को जो है कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, कोई भी तरह का खिलौना। खिलौना तो खैर इसको क्या दे 18 साल के बच्चे को। फर्स्ट सॉन्ग ऑन दिस गिटार, आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माय मॉम हु इज विद मी, आई विल नेवर से इज नॉट विद मी, क्योंकि अगर हम सच में ईश्वर के वाणी को पढ़ते हैं तो आत्मा अमर है, वो हमारे साथ ही है। आई डेडिकेट दिस सॉन्ग, काफ़ी दिन के बाद मैं गा रहा हूँ। आई थिंक इट्स मोर देन 1.5 मंथ या उससे भी थोड़ा ज़्यादा या कम। बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। So this is for my mom. And again, as I say, कि this is not just a gift for you. जीत अभी कैमरा पर्सन है। This should be considered as a आपके जिंदगी में एक ऐसा चीज रहेगा ये जिसके थ्रू आप बहुत सारा चीज सीख सकते हैं, संगीत के एक नए दायरे को सीख सकते हैं।